देख लीजिए किस प्रकार से लाठीचार्ज कर रही है पुलिस। देखिए ये देश के युवा है। देखिए फाड़ी है सर, किल लगी है, मारा है, पीटा है। ये है दिल्ली की पुलिस, ये है गृह मंत्री देश के, जो छात्रों को मारते हैं, पीटते हैं। जो उनकी आवाज उठाएगा उन पर मुकदमा लगाएंगे। दुनिया भर में ये डिडोरा पीट गया है कि देश इंडिया इज स्ट्रक बाय पेपर लीक, अ मेजर पेपर लीक। इतना ज्यादा पेपर लीक आज तक कभी नहीं हुआ है जो कि नरेंद्र मोदी के काल में हुआ है। ये तीसरे काल में तो आए हैं पर हमारे देश के सारे बच्चों का भविष्य अंधकार में ढकेल रहे हैं। एनडीए सरकार पेपर लीक की सरकार बन चुकी है। 24 लाख नीट के एस्पिरेंट है जिनके भविष्य का खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो नरेंद्र मोदी जिनका 56 इंच का सीना है, लेकिन उनके भाषणों में हकीकत में 26 इंच के सीने के साथ छात्रों के मुद्दे पे शांत घूम जाता है। देश का युवा पकौड़े तल रहा है, बेरोजगार है। अमित शाह का लड़का बीसीसीआई का सचिव बनेगा और देश का युवा अग्निवीर बनेगा, ये कहां तक चलेगा मोदी जी? मोदी की सरकार लीकेज की सरकार है। इस गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से प्रूफ कर दिया है। ये एड बनाते हैं, वो रुकवा दी पाता जो आदमी अपने देश में लीकेज नहीं रुकवा पा रहा हो। नीट के एग्जाम पूरे देश में छात्र आंदोलन कर रहे हैं, उसके बाद भी नीट के एग्जाम दोबारा करने के लिए इस सरकार के कान में जू भी नहीं रेंग रही। 70 से ज्यादा एग्जाम इस सरकार ने 7 सालों में घोटाले किए हैं, क्या चाहते हैं ये? देश का प्रधानमंत्री अपने आप को चौकीदार बताता है, लेकिन चौकीदार ही चोर है, युवा देश का जान चुका है। प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग, नीट के पेपर लीक हो गए हैं, लगातार पेपरों को रद्द किया जा रहा है, क्या कहें? सर देखिए यहाँ पे ये संस्थान में जो मोदी जी जो हर साल परीक्षा पे चर्चा करते हैं, आज वो परीक्षा पे लीक परीक्षा पे चर्चा नहीं करने आ रहे हैं। वो कहाँ गायब है? तो वही मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे हमारे देश में मेडिकल का परीक्षा रद्द हुआ है, सीएसआईआर का जो परीक्षा रद्द हुआ है, यहाँ पे आप देख लीजिए कि यहाँ पे नेट पीजी का भी परीक्षा जो डॉक्टर्स देते हैं 12 घंटे पहले आप कैंसिल कर देते हैं। आपको ये समझ में नहीं आता कि बच्चे कैसे कैसे साल भर तैयारी करते हैं, ट्रैवल करते हैं और तैयारी परीक्षा की तैयारी करते हैं, और आप बिना बताए जो कैंसिल कर रहे हैं। आप ये एक पेपर एग्ज़ाम फ्री एंड फेयर नहीं करा सकते तो आप देश क्या चलाएंगे? आप कहते हैं कि पढ़ाई बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ करके, आप आज आप देख रहे हैं हमारे देश में एक बेटी जब साल भर तैयारी करती है और उसके बाद जब परीक्षा लीक हो जाता है तो उसके बाद कोई उसका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, फिर वो दोबारा परीक्षा देने हालत में नहीं होता है। और जैसे जिस तरीके से देश भर में पूरा परीक्षा लीक हो रहा है, इससे ये दर्शाता है कि हमारा देश का स्तर कहाँ जा रहा है। बहुत मजबूत सरकार है और पेपर लीक हो जा रहा है, आप देख रहे हैं दुनिया भर में ये डिडोरा पीट गया है कि देश इंडिया इज स्ट्रक बाय पेपर लीक, अ मेजर पेपर लीक। इतना पेपर लीक तो आज वो नेहरू जी का जो नाम लेते थे ना नरेंद्र मोदी, आज वो नेहरू जी का नाम भी नहीं ले रहे। देश भर में इतना ज़्यादा पेपर लीक आज तक कभी नहीं हुआ है जो कि नरेंद्र मोदी दामोदर दास नरेंद्र मोदी के काल में हुआ है। ये तीसरे काल में तो आए हैं पर हमारे देश के सारे बच्चों का भविष्य अंधकार में ढकेल रहे हैं। अंधकार में कर रहे बीजेपी सरकार, कर दिया है। आज आप देख लो कि पीएचडी की सारी जो एडमिशन होता है कैसे होता था पहले, आज आप वो नेट जीआरएफ के थ्रू नेट एग्जाम के थ्रू लेते और फिर आप एग्जाम भी कैंसिल करा देते, तो क्या फायदा? ठीक है, थैंक यू। तो देखिए तमाम लोग यहां पर जो है वो नीट परीक्षा में हुई धांधली को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें मैं आपको इधर दिखाऊंगा, तमाम जो युवा हैं वो अब सड़कों पर आ गए हैं और ये संसद घेराव करने की कोशिश कर रहे हैं और तमाम जगहों पे देखिए आप देखेंगे बैरिकेडिंग्स लगा दी गई है। युवा जो है वो बैरिकेडिंग्स को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं और यही अल्टीमेटम भी दिया गया था कि या तो री नीट की जो है ऐलान कर दिया जाए, नहीं तो संसद घेराव की बारी अब जो है वो आएगी। और तमाम युवा जो है वो संसद घेराव करने के लिए सड़कों पर आए हैं और इधर देखिए तमाम बैरिकेडिंग्स जो है यहाँ पर लगा दी गई हैं और इसको गिराने की कोशिश जो है वो युवाओं के द्वारा यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि जिस तरह से देश में लगातार जो है पेपर लीक हो रहा है और बीते 10 सालों की बात करें तो 70 के आसपास पेपर जो है वो लीक हो गया है, चाहे वो यूपी पुलिस की बात की जाए, चाहे एसएससी के पेपरों की बात की जाए, या नीट की बात की जाए, या नेट की बात की जाए, ऐसे तमाम जो है पेपर वो लगातार वो लीक होते जा रहे हैं और उसकी वजह ये तमाम छात्र हैं। थोड़ा बात करेंगे आप लोगों से, प्रोटेस्ट कर रही हैं आप लोग, पेपर जो है लगातार लीक हो रहा है, क्या कहें? देखिए एनडीए सरकार पेपर लीक की सरकार बन चुकी है। 24 लाख नीट के एस्पिरेंट है जिनके भविष्य का खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। सीएसआईआर का पेपर इन लोगों ने रद्द कर दिया, यूजीसी नेट का पेपर लीक हो गया, नीट पीजी का एग्जाम नहीं हो गया। ये लगातार छात्रों के ऊपर
लगातार छात्रों की आवाज दबाने का काम कर रहे हैं। तानाशाही रवैया अपनाते हैं, हमें संसद तक पहुंचने से रोका जा रहा है। एनएसयूआई सड़क से लेकर जनता तक छात्रों की आवाज को उठाती रहेगी। युवा कह रहा है पेपर लीक हुआ है, सरकार इससे मानने को राजी नहीं। देखिए 5 मई को पटना पुलिस के पूरे सबूत थे, सब जानकारी सामने आ चुकी थी, कबूलनामे खुल चुके हैं। 30-32 लाख में पेपर खरीदा गया था, 40-40 लाख में बेचा गया। जब आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं तो आप इस बात की सुनवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, एनटीए को नोटिस देते हुए कि अगर किसी पेपर में 1% की भी लीक की मामला या धांधली का मामला सामने आता है तुरंत री एग्जामिनेशन कराना चाहिए। लगातार अगर हम बात करें, एनटीए ने जिस तरह से पेपर को कैंसिल किया है, चाहे पीजी का हो चाहे यूजी का हो, तमाम पेपर कैंसिल करते जा रहे हैं। एनटीए जैसी एजेंसियों को तत्काल प्रभाव से बैन कर देना चाहिए। एनटीए नेशनल ठग एजेंसी बन के रह गया। आप देख रहे होंगे ये डिजिटल इंडिया की बात करते थे, मॉडर्नाइजेशन की बात करते थे, इस बार यूजीसी नेट के इन पेपर को पेन कॉपी का मोड का पेपर बनाया ताकि साफ साफ जाहिर होता है पैसे जेब में रखने, छात्रों का भविष्य बर्बाद करना, नौकरी नहीं देनी। ये बताइए, एक तरफ ये एजेंडा बनाया जाता है, ये माहौल बनाया जाता है कि देश के प्रधानमंत्री विदेशों में वॉर रुकवा देते हैं, पापा वॉर रुकवा रहे, पेपर लीक नहीं रोक। नहीं, ये वो नरेंद्र मोदी हैं जो चाइना को लाल आंखें दिखा देते हैं, लेकिन एनटीए ठग एजेंसी को लाल आंखें नहीं दिखा पाते। ये वो नरेंद्र मोदी जिनका 56 इंच का सीना है, लेकिन उनके भाषणों में हकीकत में 26 इंच के सीने के साथ छात्रों के मुद्दे पे सांस रुक जाता है। ये बाहर देशों में जाके कहते हैं हमने वॉर रुका दी, आप मणिपुर की वॉर नहीं रुक पा पाए, आप छात्रों के मुद्दे फैसले नहीं ले पा रहे, आप क्या वॉर रुकवाएंगे? ये इस तरीके से अमृतकाल की बात कर रहे हैं। ये नया भारत जहाँ छात्रों को उनका न्याय नहीं मिल रहा, इस बार युवा शक्ति समझ चुकी है और युवा अपना रुख मोड़ के एनडीए सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगा। यही नया भारत है कि पेपर लीक होगा इसने? ये नए भारत में छात्रों के साथ पेपर लीक होगा, नौकरियां नहीं देनी है, महिलाओं के साथ दरिंदगी होगी, यही मोदी सरकार की एनडीए सरकार का असली चेहरा है। थैंक यू। तो लगातार देखिए छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग संसद का घेराव करना चाह रहे हैं, सरकार जो कह रही कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। पेपर तो इनको कराना पड़ेगा, किसी भी हाल में कराए पेपर तो कराना पड़ेगा। एनएसयूआई ने ठान लिया है, कांग्रेस ने ठान लिया है कि छात्रों को न्याय दिलाकर रहेंगे। आज एनएसयूआई के कार्यकर्ता जब संसद का घेराव कर रहे थे तो पुलिस ने बदसलूकी की है, तमाम कार्यकर्ताओं को मारा है। देखिए फाड़ी है, शर्ट किल लगी है, मारा है, पीटा है। ये है दिल्ली की पुलिस, ये है गृह मंत्री देश के, जो छात्रों को मारते हैं पीटते हैं, जो उनकी आवाज उठाएगा उन पर मुकदमा लगाएंगे। मेरे ऊपर कल एक मुकदमा दर्ज किया गया है क्योंकि मैंने धर्मेंद्र प्रधान के घर पे मैंने उनका विरोध किया था, मांग करी थी इस्तीफे की, वो FIR करा रहे हैं। आज जब संसद घेराव की तरफ बढ़े तो शर्ट फाड़ी है, मारा है, पीटा है। ये हो क्या रहा है इस देश में? 10 सालों में 70 पेपर लीक हुआ, एक महीने में एनटीए को कई पेपर रद्द करने पड़ते हैं क्योंकि पेपर लीक हो चुके हो। एनटीए के डायरेक्टर को बिठाया जाता है मजबूरी में, जब इतना बवाल होता है। यह पूरी तरीके से सरकार लीकेज सरकार है, एक भी पेपर को ढंग से नहीं करा पा रहे, कहते देश चलाएंगे, विश्व गुरु बनाएंगे, यह पूरी तरीके फेल हो चुका है। एनएसयूआई मांग करती है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। धर्मेंद्र प्रधान कर रहे हैं पेपर लीक नहीं, कल तो बोले हैं ना कि मैं नैतिक जिम्मेदारी लेता हूँ, पहले तो नहीं मान रहे थे, अब मान लिया है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं धांधली हुई है, गड़बड़ी हुई है, मानना पड़ेगा। एनडीए के डायरेक्टर क्यों हटाया फिर? सवाल तो ये भी खड़ा होगा ना, इसका मतलब धांधली हुई है, इस्तीफा आपको देना पड़ेगा। इतना मजबूत प्रधानमंत्री कहा जाता है और पेपर लीक नहीं रोक कहा था 56 इंच का सीना, पापा ने वॉर रुकवा दी, पापा एक पेपर नहीं रुकवा पा रहे, पापा वॉर रुकवाएंगे। शाबाश मोदी जी, शाबाश। आप लोग अपने हक की बात कर रहे हैं तो मारा पीटा जा रहा है, निश्चित मारा गया है, एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को मारा गया है, पीटा गया है, लाजमी है, हम भी देखेंगे। दम है तेरे दमन में कितना देख लिया है देखेंगे, और जेल में तेरे जगह है कितनी देख लिया है देखेंगे, निश्चित देखेंगे। 2 करोड़ रोजगार देने आए थे और पेपर लीक करा, देश का युवा पकौड़े तल रहा है, बेरोजगार है। अमित शाह का लड़का BCCI का सचिव बनेगा और देश का युवा अग्निवीर बनेगा, ये कहां तक चलेगा मोदी जी? सड़कों पे प्रदर्शन करें, निश्चित करेगा, जब सरकार सुन नहीं रही है तो सड़क पे उतरेंगे ना। तो देखिए तमाम युवा जो है प्रदर्शन करें, क्या कहेंगे आप? देखिए ये योगी मोदी की सरकार लीकेज की सरकार है, इस गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से प्रूफ कर दिया है। ये एड बनाते हैं, वो रुकवा दी पाता, जो आदमी अपने देश में लीकेज नहीं रुकवा पा रहा हो, एक शिक्षा मंत्री और दूसरी टर्म में फिर से शिक्षा मंत्री बना है, वो धांधली कर रहा है। इन लोगों ने पूरी तरीके से शिक्षा माफियाओं को जन्म दिया है, उनसे ये पैसा लेते हैं, धीरे से साइड से पैसा देते हैं, और अमीरों को लड़के जो इनकी पॉलिसी अंबानी अडानी वाली, उनको ये पैसा अंदर से लेके उनको बनाने का, उनके लड़कों को बनाने का कार्य करते हैं। गरीबों की हालत आप देख लीजिए किस प्रकार से कर रहे हैं, पुलिस लगा देते हैं सामने हम लोग को मारने के लिए। आखिर क्या हम इस देश के वासी नहीं है? हम अंबानी और अडानी का ही अधिकार है इस देश पे, इस मोदी और अमित शाह के देश पे। पेपर क्यों लीक हो रहा है लगा? पेपर एक नंबर की घटिया सरकार है, एडमिनिस्ट्रेशन एकदम लूज है,
सरकार बैकहेंड से पैसा लेती है, सामने से पैसा सरकार को चलाने के लिए लेती है, ताकि जो आम छात्र पैसा भरे उनकी फीस ट्रेवल का खर्चा वो तो उनसे निकलवा ले, बैकहेंड से पेपर को लीक करा के अमीरों को लगे का भरने का काम कर रही है। ये शिक्षा माफियाओं को एकदम पाल रहे हैं ये लोग, इन्हीं के लोग पेपर करवाते हैं वही लीक करवाते हैं। और इनका शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जो एक गांव का प्रधान बनने लायक नहीं है, वो पेपर लीक करवा रहा है और कहता है लीकेज हुआ ही नहीं है। आखिर जब लीकेज नहीं हुआ तो गुजरात में क्यों पकड़े गए, आखिर क्यों गिरफ्तारियां हो रही है बिहार से लेकर मध्य प्रदेश में? सरकार में हुआ क्या है जब से 10 सालों में सत्ता में आई है, लगातार पेपर लीक, कोई भी पेपर हो लीक हो जा रहा है। जी बिल्कुल लीक हो जा रहा है, इनको मालूम है कि हम तानाशाही की सरकार है, डिक्टेटरशिप की सरकार है, कोई युवा आज आवाज उठा दे हम मुकदमे लाद देंगे। एक पेपर तो छोड़िए, कोई पेपर देने लायक नहीं बचेगा, युवा इसलिए डर के मारे आगे नहीं आएगा। लेकिन युवा ने इस बार का जो विपक्ष तैयार किया है, अपनी आवाज जो बुलंद की है संसद में, वो इनकी औकात दिखा देगी, 5 साल ये राज नहीं कर पाएंगे। युवाओं को छेड़ के बहुत गलत कार्य किया इन्होंने। मांग क्या है आप लोग? हमारी मांग यह है कि रीनीट हो, वापस से नीट का पेपर कराया जाए, नेट का पेपर कराया जाए। और सीयूटी के साथ जितना गलत किया इन्होंने, लड़कों का पेपर होने वाला था अपने डेस्टिनेशन में पहुंच गए थे, वो पैसा किराया भाड़ा खर्चा करके होटल बुक कर चुके थे, उसके बाद ही अगले दिन रात ही में नोटिस पे जारी कर देते हैं कि पेपर कैंसिल हो गया, आगे की रीडेट देंगे। उसको भी जल्द से जल्द करवाएं और जल्दी से जल्दी उन पदों को भरें, जल्दी से कराए। जी बिल्कुल, जल्दी से पेपर होंगे, नहीं पेपर होंगे तो इन्हें सिवाही पूरी तरीके से घेरे की संसद नहीं पूरे देश से लोग। बताइए देश के प्रधानमंत्री को क्या कहेंगे आप, हर विषय पर वो ट्वीट करते हैं, लेकिन अब पेपर लीक हुआ है, आप जैसे युवा सड़कों पर हैं, पेपर लीक पर वो कुछ नहीं। देश का प्रधानमंत्री अपने आप को चौकीदार बताता है, लेकिन चौकीदार ही चोर है, युवा देश का जान चुका है। देश का प्रधानमंत्री कायर है, डरपोक है, वो अपने देश के मुद्दों पे नहीं बोलता है, वो विदेशी मुद्दों पे हावी रहता है। आखिर क्यों? देखिए यहाँ पे देख लीजिए किस प्रकार से लाठीचार्ज कर रही है पुलिस, देखिए ये देश के युवा है। ठीक है, देखिए ये किस तरह से यहाँ पर लाठीचार्ज जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है, तमाम युवाओं को जो है लाठियों से पीटा जा रहा है। क्यों? क्योंकि युवा सड़कों पर उतर कर अपने हक की मांग कर रहा है, और जो भी युवा सड़कों पर उतर के अपने हक की मांग कर रहे हैं उन पे किस तरह से लाठियां यहां पर बरसाई जा रही हैं, ये तस्वीरों में देख रहे, लाठी बरसाई जा रही है। देखिए जब जब मोदी सरकार डरती है पुलिस को आगे करती है, आज देखिए नीट के हम लोग छात्रों का इंसाफ के लिए यहाँ खड़े हुए हैं। आप देखिए हम लोग को विरोध करने का अधिकार नहीं, जंतर मंतर में कैद कर दिया गया हम लोग को, हमारा परमिशन संसद भवन तक जाने का था, लेकिन देखिए जंतर मंतर कैद कर दिया गया है। और देखिए देखिए आप वहाँ देख सकते हैं छात्र, देखिए छात्रों के ऊपर खून लगा हुआ है, देखिए उनके कपड़ों पर देखिए खून लगा हुआ है, लाठी बरसाई गई है। अब कोई बड़ा बात नहीं है कि गोली भी चला दे, ये ऐसी सरकार है कि यहाँ पे विरोध करना, अपना हक का बात करना बहुत बड़ा पाप हो गया है। बताइए एक तरफ तो पेपर लीक नहीं रोक पाएंगे, प्रदर्शन करे युवा कहे पेपर लीक हुआ है तो सरकार मान ही नहीं रही। देखिए आज बिहार के एक पेपर में छपा है, पटना के पेपर में, कि 100 बच्चे के पास एग्जाम होने से पहले पेपर मिल चुका था। अब आप बताइए अखबार के माध्यम से देख सकते हैं कि पेपर पहले से लीक था, लेकिन ये सरकार मानने को तैयार नहीं है। मैं पूछता हूँ कि अगर मान लीजिए डॉक्टर, अगर मान लीजिए यही डॉक्टर बन के आ जाते हैं, अगर मोदी की तबियत खराब होता है तो क्या डॉक्टर से इलाज करवाएंगे? ये तो पूछेंगे कि ये डॉक्टर वो 24 वाला तो नहीं है। हम मांग करते हैं नीट के परीक्षा का इंसाफ होना चाहिए, छात्रों का इंसाफ होना चाहिए, और अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लोग जेल भरने के लिए भी तैयार हैं, दबेंगे नहीं, डरेंगे नहीं। तो क्या गया है, ये कैसी सरकार है, 10 सालों से 70 पेपर लीक। इनके जो पप्पा है वो युद्ध रुकवा सकते हैं, लेकिन इनके पप्पा एग्जाम में पेपर लीक नहीं रोक सकते हैं। आज सारा पेपर लीक हो गया, देख सकते हैं आप यहाँ पे स्थिति ये हो गया है कि हर एक पेपर लीक, नीट का पीजी का परीक्षा लीक, नीट का एनईटी का परीक्षा लीक, नीट का एनडब्ल्यूटी का परीक्षा लीक, सब पेपर लीक होते आगे हो गया रहा है। आज देश में शिक्षा व्यवस्था धराशायी हो गया, इसका एक व्यक्ति जिम्मेदार है मोदी सरकार, और हम लोग जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक आंदोलन करते रहेंगे हम लोग। देखिए लोगों का ये कहना है कि जो शिक्षा व्यवस्था है एकदम चरमरा गई है इस देश की, सारे पेपर जो है लगातार वो लीक हो रहे हैं, और अब युवा जो है सड़कों पर प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, संसद घेराव जो है करने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर जो है लगातार वो लाठियां बरसाई जा रही हैं, और देखें किस तरह से बैरिकेडिंग्स तोड़ने की कोशिश युवाओं के द्वारा की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ से लगातार जो है वो युवाओं पर लाठियाँ यहाँ पर बरसाने का काम जो है वो किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से युवा जो है संघर्ष कर रहा है, क्योंकि 24 लाख युवाओं के भविष्य का सवाल है, परीक्षाएं जो है वो रद्द करने की मांग हो रही हैं, लेकिन सरकार इस पर जो है कमेटी कमेटी खेल रही है, परीक्षा रद्द करने के एकदम मूड में नज़र नहीं आ रही है, और ये वजह है कि देखिए किस तरह से प्रदर्शन हो रहा है। क्या कहेंगे आप लोग, जो है लाठियां बरसाई जा रही हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं? जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, 24 लाख
बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं और ये सोचते हैं कि हमारे ऊपर लाठियां बरसा के अगर हमें रोक देंगे तो ये इनकी गलत फहमी है। NSUI और समस्त कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ती रहेगी इन छात्रों के लिए। लड़ते रहेंगे। तमाम युवा यहाँ पर वो बैरिकेटिंग्स को तोड़ रहे हैं और आगे पुलिस प्रशासन जो है वो उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। युवाओं से बातचीत करते हैं, क्या कहेंगे आप? पुलिस प्रशासन लाठियां बरसा रहा है। प्रशासन से लेके सरकार तक सारे लोग भ्रष्ट हैं और सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। जिस तरीके से देश के युवाओं और छात्रों के साथ ये न्याय कर रहे हैं, आज NSUI के लोग सड़क पे हैं और मैं कह देना चाहता हूँ कि एक घंटे के अंदर नीट का पेपर कैंसिल नहीं हुआ तो हम लोगों का प्रदर्शन और उर्ग होगा और ये प्रदर्शन तब तक होगा जब तक नीट का पेपर कैंसिल ना हो। पेपर कैंसिल पूरी तरीके से पेपर कैंसिल और इसमें जो भी सरकार के दलाल संलिप्त हैं उन पे कड़ी से कड़ी सजाए। सरकार कह रही कमेटी बनाई है, CBI जांच हो रही है। ये आप लोग भी जानते हैं मेरे भाई कि ED, CBI, CID सब इनके ही लोग हैं और ये सारे लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इन पे भरोसा नहीं है, इनकी CBI भी इन्हीं के हाथ में है। इनका कहना है कि सरकार जिस तरह से कमेटी बना रही है, दावा कर रही है कि CBI जांच हो रही है, उन एक भी जांचों पर इन लोगों को विश्वास नहीं है। लिहाजा तमाम जो छात्र हैं वो सड़कों पर उतर कर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और इधर देखिए तमाम छात्र जो है वो धरने पर भी यहाँ पर बैठ गए हैं और ये पेपर लीक को लेकर लगातार जो है इससे पहले भी प्रदर्शन हो रहे हैं और अब जिस तरह से प्रदर्शन जो है आज वो उग्र हो गया है उसकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ और लोगों से जो है बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से यहाँ पर कार्रवाई जो है लोगों पर की जा रही है, पेपर लीक हो गया है, प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग, सरकार जो है बैरिकेटिंग लगा रही है, लाठी चार्ज कर रही है, क्या कहेंगे? देखिए छात्रों का आक्रोश जो है बिल्कुल जायज है। जिस तरीके से मोदी सरकार दावा करती है कि मजबूत सरकार है तो मजबूती का मतलब क्या हुआ? छात्र जो हैं, युवा जो हैं, देश के रीढ़ की हड्डी हैं और उनके साथ जिस तरह से कुठाराघात हुआ, लगभग 23 लाख छात्र इस नीट वाले मामले में प्रभावित है। मैं बिहार से बिलोंग करता हूं और बिहार में ये पहली बात है कि इस बार उजागर हो गया पेपर लीक वाला मामला, नहीं तो हर साल आए दिन नीट वाले मामला जो है उसमें पेपर लीक होता है लेकिन उजागर नहीं होता है। उसी तरह से आप देख लें नेट जो है, नेट हो गया, JRF हो गया, CSIR हो गया, इन सभी विषयों में पेपर लीक होता है और सरकार हाथ पे हाथ धरी रहती है। उसके बाद उनकी गलती क्या है? ये गांव में कहावत है चोरी और सीनाजोरी, ये चोरी भी कराते हैं और उसके बाद से सीनाजोरी भी करते हैं। भरपूर तरीके से इनका प्रतिकार होगा और हम लोग चाहते हैं कि रीनीट हो, परीक्षा कैंसिल हो और पुनः छात्रों से परीक्षा लेकर उनके साथ न्याय किया जाए। संसद घेराव करने के लिए निकल रहे हैं? बिल्कुल, जिस तरह से जब कहा जाता है कहावत है कि जब सदन बहरी हो जाती है तो सड़कों पर निकलना पड़ता है, तो जिस तरीके से सत्ताधारी दल के जो नेता हैं और उनके कान में जू नहीं रेंग रहा है और छात्र प्रभावित हैं, उनके साथ अन्याय हो रहा है, तो बिल्कुल वही होता है कि हम लोग के जब घी जो सीधी उंगली से नहीं निकलती है तो टेढ़ी उंगली से निकालना पड़ता है और हम लोग मजबूर हैं इस विरोध प्रदर्शन करने के लिए और आक्रोशित होकर हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देश में हो क्या रहा है? युवा पीढ़ी वाला देश है, सबसे ज़्यादा आबादी युवाओं की है और युवाओं के पेपर लीक हो रहे हैं। आपका अधिकार है प्रदर्शन करना और जब प्रदर्शन करते हो तो इस तरह से पुलिस लाठियां मार। देखिए इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि युवाओं को केवल वोट का एलिमेंट समझा जाता है, उनसे केवल वोट लिया जाता है वर्तमान सरकार के द्वारा और उनके जो मुद्दे हैं उनको गौण कर दिया जाता है। जिस तरह से युवा प्रभावित हैं, हर परीक्षा जो है बिना स्कैम के उसमें काम नहीं चलता है, परीक्षा कैंसिल हुआ, पेपर हुआ, NTA की विश्वसनीयता पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है, और धर्मेंद्र प्रधान जिस तरीके से हैं उनको लीक मंत्री का दर्जा दे देना चाहिए और प्रधानमंत्री को वीक प्रधानमंत्री का दर्जा देना चाहिए। प्रधानमंत्री तो बहुत मजबूत, बहुत वीक है, वीक प्रधानमंत्री ऑफ द इंडिया। मैंने विगत जितने साल से देश में लोकतंत्र बहाल है उतने समय में सबसे वीक और सबसे कायर और डरा हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। इतना मजबूत प्रधानमंत्री नहीं आया? नहीं, बिल्कुल गलत चीज़ है, ये केवल मीडिया के द्वारा फैलाया गया एक दुष्प्रचार है और उस दुष्प्रचार में देश की जनता फंस कर अपने आप को छला हुआ महसूस कर रही है और रुकवा दे रहे हैं मोदी। नहीं, ये सब तो एक तरह का फ्रॉड है। 420 की सरकार है, 420 लोग उनके मंत्रालय में है। देखिए धर्मेंद्र प्रधान 420 है तभी ना पेपर लीक हो रहा है और कुछ नहीं, हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए लोग हैं वो लोग। तो देखिए तमाम युवा यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन देखिए यहाँ पर किस तरह से RPF देख सकते हैं कि सड़कों पर आई है और जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनको यहाँ से वो हटाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ की आपको तस्वीरें दिखाएंगे, देखिए युवाओं को किस तरह से यहाँ से सड़कों को खाली कराया जा रहा है और यहाँ से ले जाने की कोशिश जो है वो हो रही है। और दूसरी तरफ की आपको हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे, दूसरी तरफ देखेंगे सरकार जो युवा तमाम युवा हैं वो सड़कों पर बैठकर देखें किस तरह से नारेबाजी कर रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये प्रदर्शन की तस्वीरें आप जो है वो देख पा रहे हैं कि इस्तीफे की मांग यहाँ पर तमाम युवा कह रहे हैं सड़कों पर बैठकर।
हजार जुर्म की टक्कर में कहेंगे आप लोग लाठियां बरसाई जा रही हैं आप लोगों पे। देखिए जिस प्रकार से ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी की सरकार छात्रों के साथ अन्याय कर रही है, नीट के एग्जाम पूरे देश में छात्र आंदोलन कर रहे हैं, उसके बाद भी नीट के एग्जाम दोबारा करने के लिए इस सरकार के कान में जूं भी नहीं रेंग रही। 24 लाख से ज्यादा छात्र प्रभावित है केवल नीट में, 70 से ज्यादा एग्जाम इस सरकार ने 7 सालों में घोटाले किए हैं। क्या चाहते हैं ये विश्वविद्यालयों में सभी संस्थानों में अब अपने संगठन के लोगों को बैठाना चाहते हैं, विचारधारा थोपना चाहते हैं, वो भी घोटाले करके। ऐसी सरकार के ऊपर शर्म करनी चाहिए नरेंद्र मोदी को। वो क्या रहा इस देश में 10 साल में 70 पेपर लीक नहीं रोक पा रहे, बिल्कुल नहीं रोक पा रहे हैं। ये इनकी ही मंशा है, इनके ही द्वारा ये करवाया जा रहा है। एक विचारधारा आरएसएस के जो लोग हैं, बीजेपी के जो लोग हैं, उनको अलग अलग संस्थानों में एग्जाम को प्रभावित करके उसको घोटाले करके ये सरकार अपने लोगों को घुसाना चाहती है। इनकी मंशा साफ है। तमाम युवा जो है इस तरह से सड़कों पर बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और ये जंतर मंतर से जो है संसद घिराव करने के लिए पार्लियामेंट की तरफ जाना चाहते थे, लेकिन इन सभी तमाम छात्रों को रोका गया। तमाम छात्रों के ऊपर जो है वो लाठियां भी बरसाई गई हैं। छात्रों का ये कहना है कि लगातार जो छात्र हैं वो सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ पेपर लीक की लड़ाई लड़ते रहेंगे और जब तक सरकार नीट के एग्ज़ाम को कैंसिल नहीं करती है और दोबारा पेपर कब कराया जाएगा इसकी तारीख का ऐलान नहीं करती है, तब तक ये छात्र इसी तरह से सड़कों पर उतरकर वो प्रदर्शन सरकार के खिलाफ करते रहेंगे।